हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा लेक्चर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेटा फील लें और इसके कॉन्सेप्ट लें। इस टॉपिक का दूसरा नाम है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? वेरी सिंपल है बेटा। लेट सपोज ये है अर्थ, ये है बेटा अर्थ, और आपको पता है कि लेट सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंकेंगे तो उसको जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ मोशन करेगा। ये जब नीचे की तरफ मोशन करेगा तो इस मोशन का नाम हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ये जो ग्रेविटी की वजह से ये मोशन कर रहा है तभी इसका नाम पड़ गया मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं कह रहे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कह रहे, या इसका काज क्या है कि आपने इसका नाम रख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो वेरी सिंपल है बेटा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे तो हर पॉइंट पर बेटा, हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। You know that the velocity का चेंज क्या कहलाता है बच्चे? Velocity का चेंज कहलाता है बेटा acceleration। Velocity में जब चेंजिंग आती है, last lecture में मैंने discuss किया था कि जब भी velocity का चेंज आता जाता है तो फिर acceleration produce होती है। Velocity का सर चेंज क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि let's suppose एक object इधर पड़ा हुआ है तो इधर attraction और होगी, इधर attraction और होगी, इधर attraction और होगी, इधर attraction और होगी। हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जमीन की अट्रैक्शन हर पॉइंट पर क्या है, चेंज। तो जमीन की अट्रैक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है, और वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तभी इस मोशन का नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। तो अभी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटा एक लेटर है जी, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे छोटे से छोटा एमसीक्यूज तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि जी क्या है? जी इज अ मोशन, जी इज अ एनर्जी, जी इज अ फोर्स, या जी इज अ, आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई ऑल ऑफ दीस या नन ऑफ दीस। तो रिमेंबर दैट जी, आज से याद रखें कि जी एक मोशन है, जी एक मोशन का नाम है। फिर से फील है, इस मार्कर को आप अपनी लेट्स सपोज इस मार्कर को बेटा आप किसी तराजू में रखेंगे तो फिर उस पर जो इसकी क्वांटिटी मालूम कर रही है इसका मास कहलाएगा। इस मार्कर को मैं इधर सिंपल ऐसे पकड़ा हुआ है, इसको जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस अट्रैक्शन का नाम बेटा वेट होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में मास एंड वेट में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। वेट होता है जमीन की अट्रैक्शन का नाम। अभी टॉपिक है जी, तो कोई पूछे जी क्या है, जी का सिंपल सेंस ये चीज याद करें कि जी इस जमीन की अट्रैक्शन की वजह से ये जो मोशन हो रही है इस मोशन का नाम है जी। तो आज से ये चीज याद रखें कि जी एक मोशन है, जी एक एक्सेलरेशन है, जी एक एक्सेलरेशन है, जी एक एक्सेलरेशन है, जी एक मोशन है। सबसे पहले पहले इस बंदे सबसे पहले पहले इसके लिए जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया था उस बंदे का नाम था अरिस्टोटल, या अरस्तु, अरिस्टोटल कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। और यहां आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट फिर इसने गैलीलियो गैलीला ने दिया था, फिर उसके बाद न्यूटन साहब ने भी इस पर वर्णन किया है। तो ये मोस्टली तीन फेमस बंदे हैं जिन्होंने इस जी पर बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं बेटा। तो अभी बात हो रही है कि ये जी क्या है, अभी हम उसका फील और लेते हैं। जी के वैल्यूज कहां पर सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे पहले पहले बेटा अगर एट सरफेस ऑफ अर्थ बात की जाए, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी का ये बेटा वैल्यू सरफेस
सरफेस ऑफ अर्थ पर है, एट सरफेस ऑफ अर्थ। ये जनरली अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो जी का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड में फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है, और वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया है। जिन बच्चों को ये नहीं आते तो काइंडली वो लेक्चर सुन ले बेटा। तो रिमेंबर दैट जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज, और जब बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव, तभी हम जी का वैल्यू नेगेटिव अपवर्ड में लेते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड में, जी का वैल्यू हम पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। सर क्या ये जी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो याद रखें कि जी का ये जी हमेशा वेरिएबल होती है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस होता है, जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। तो ये जी का वैल्यू आप कांस्टेंट नहीं है, ये जी का वैल्यू एवरेज वैल्यू है, जी का ये वैल्यू एवरेज वैल्यू है, जी का ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत मानते हैं, जी इज वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज चेंज प्लेस टू प्लेस, क्योंकि साइंटिस्ट 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 ऐसे जी का वैल्यू वेरी हो रहा था पॉइंट टू पॉइंट, तो साइंटिस्ट ने एवरेज वैल्यू उसका लिया, और एवरेज वैल्यू जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आपको ये कहे कि जी एक फोर्स है तो आप उसे सिंपली ये कह सकते हैं कि जी का यूनिट बताएं, तो वो आपको बताएगा, देखिए मैंने क्या वैल्यू के साथ क्या यूनिट लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ जी, याद रहे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये यूनिट किसका है, एक्सेलरेशन का। तो आप ये कह सकते हैं कि जी एक एक्सेलरेशन का नाम है, जी एक एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर ये फोर्स होती बेटा तो इसका यूनिट न्यूटन होता, जी एक एक्सेलरेशन है तभी इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी अगर हम इसके और छोटी सी बातें डिस्कस करेंगे तो ये भी है बेटा, तो आप ये लेट सपोज है अर्थ, बेटा अर्थ जो है उसकी जो शेप होती है अर्थ की वो ओवल टाइप होती है, अंडे टाइप होती है, ओवल इन शेप होती है, ठीक है। ये किस बंदे ने कंसेप्ट दिया था आपको पता है, अबू रेहान अल बैरूनी, अबू रेहान अल बैरूनी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अर्थ की जो शेप होती है ओवल इन शेप होती है, वो फ्लैट नहीं होती है, सीधी नहीं होती है, ओवल टाइप होती है। अबू रेहान अल बैरूनी ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ की ऐसे शेप होती है। अगर हम डिस्कस करें तो ये बेटा क्या है, सेंटर है इसका, ये है सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये मान रहे, देखिए बेटा ये अगर बोर्ड है तो ये अगर हम इसका ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये वाला करीब हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कुछ दूर है, तो इसी तरीके से ये वाला देखिए डिस्टेंस करीब है, ये वाला हिस्सा जो करीब होता है इस सेंटर के उस हिस्से को जमीन के उस हिस्से को हम पोल कहते हैं, और बेटा जो दूर वाला हिस्सा होता है उसको बेटा हम इक्वेटर मानते हैं। जमीन का वो हिस्सा जो सेंटर से लार्ज डिस्टेंस पर होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अभी बेटा जी का वैल्यू, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको डिफरेंट जगहों पर होते हैं तो ये नोटिस करते जाएं, जी का वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ बेटा किसके बराबर होता है, जीरो के। जी का वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, जीरो होता है, एट सेंटर ऑफ अर्थ जी का वैल्यू जीरो माना जाता है। अभी जी का वैल्यू पोल पर जो होता है एट पोल ग्रेटर देन इक्वेटर होता है, ये चीजें याद कर ले बेटा। ये वाला हिस्सा देखिए सेंटर के करीब है तो इधर जी का वैल्यू ज्यादा होता है, इधर ऐसे दूर होते जा रहे हैं सेंटर से, सेम डिस्टेंस देखें जमीन से हम ऊपर होते जा रहे हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, और ऐसे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सेम डिस्टेंस जो करीब वाला हिस्सा है, करीब जितना होंगे जी ज्यादा होगी, जितना दूर होंगे बेटा क्या हो
होगी, कम होगी। तो इधर ये करीब है तो इधर क्या होगा, जी का वैल्यू ज्यादा होगा और इधर क्या होगा बेटा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जी का वैल्यू अगर मैं कह रहा हूं कि ये देखें एक ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ ऐसे आ रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो जी क्या होगी, ये बेसिक बातें हैं। और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगी बेटा, ये ऐसे ही है लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जी क्या हो रही है, इंक्रीज। नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। ऐसे ही इसमें याद रखें, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर में देखिए बेटा, पोल टू इक्वेटर तो दूर जाने सेंटर से, तो जी क्या हो जाएगी, जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और बेटा जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम, कहां से बेटा, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल, फिर बेटा जी क्या होगी, इक्वेटर ये दूर है तो आप सेंटर के करीब जा रहे हैं तो जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये वाले फिर छोटी छोटी बातें, अभी इस बातों को फोकस करके आप अगेन तीन चार अदर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये है सेंटर जहां पर मैंने क्या बताया, जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। इधर जी का वैल्यू जीरो है तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ अर्थ पर लेकर जाएं तो वहां पर वेट क्या होगा, वेट का फार्मूला आपको पता है कि एम जी है, वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी। अगर मैं 10 किलो सेंटर ऑफ अर्थ पर लेकर जाऊं तो फिर बेटा उसका वेट क्या होगा, अभी देखिए 10 किलो मास की जगह मैंने लिखा 10, जी का वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होता है, जीरो, तो वेट उस पॉइंट पर जीरो होता है। एट सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। क्या मास सेंटर ऑफ अर्थ पर, अभी एक ऑब्जेक्ट था पोल पर था, देखें इधर था 5 kg, अगर मैं इसको इधर तक लेकर गया इधर मास क्या होगा, मास आपको मैंने बताया था चेंज नहीं होता है, पोल टू सेंटर ऑफ अर्थ लेकर जाएं या इधर से इधर लेकर जाएं, कहीं से किसी भी पॉइंट पर चाहे आप इधर से इधर लेकर आए, याद रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मास रिमेन सेम होता है, कौन सी चीज चेंज होती है, वेट। अभी इसमें एक और बेसिक पॉइंट अभी देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट था इधर 5 kg वाला, इधर लेकर गया, ये था पोल, पोल से इक्वेटर की तरफ, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट था पोल से इक्वेटर की तरफ लेकर गए, बताएं उसका वेट क्या होगा, शाबाश, वेट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी से, जिस तरफ जी बढ़ेगी उस तरफ वेट बढ़ेगा, तो याद रखिए इधर जी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो वेट डिक्रीज। तो इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में पोल इक्वेटर में अगर जी डिक्रीज है तो इस कंडीशन में वेट भी क्या होगा, डिक्रीज, और इस कंडीशन में जी इंक्रीज तो बेटा इस कंडीशन में आप वेट को भी क्या लिखेंगे, इंक्रीज। जहां पर जी इंक्रीज वहां पर वेट इंक्रीज, जहां पर जी डिक्रीज वहां पर वेट डिक्रीज। अभी ऑब्जेक्ट इधर से पोल से इधर आएगा, जी कम तो वेट कम, इधर से अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जाएगा, हाँ इधर से अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, क्या चीज से जी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो वेट भी उसका इंक्रीज। ऐसे ही बच्चों अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, फील दे दूं, जी का वैल्यू कहां पर ज्यादा है, अगर आपसे कोई पूछे कराची में इस्लामाबाद में, तो फील ले जरा, जो कराची है वो डाउनवर्ड है और इस्लामाबाद ऊपर है, तो रिमेंबर दे इस्लामाबाद में वो जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, वो इक्वेटर वाली साइड है, और जो कराची वो पोल वाली साइड है, तो जी का वैल्यू कहां ज्यादा होगा, कराची में, और इस्लामाबाद ऊपर है
ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, इक्वेटर है, तो उधर जी का जो कराची एग्जिस्ट करती है वो इधर है, इस साइड में, इस स्पॉट में, और जो इस्लामाबाद है बेटा वो इधर है। तो रिमेंबर दे जो अपवर्ड जो इलाके होते हैं, एरियाज होते हैं जो ऊपर सरफेसिस पर होते हैं, लाइक इस्लामाबाद, क्वेटा, मरीन, बेटा ये ऊपर यंगपुर का जो सरफेस वो जो लोकेट करते हैं बेटा अर्थ की इक्वेटर वाले हिस्से पर होते हैं, और डाउनवर्ड एरिया जो रीजन होते हैं लाइक इस कराची, तो उधर जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखें, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट कराची एज कंपेयर टू इस्लामाबाद। तो ऐसे ही आप इसकी एग्जिस्टेंस ऐसे ले सकते हैं कि एक बंदा है जो इस्लामाबाद टू कराची जा रहा है, शाबाश, इस्लामाबाद टू कराची जा रहा है, उसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। मैंने क्या बताया कि इस्लामाबाद ऊपर है और कराची कहां है, डाउनवर्ड में है, तो उधर से आप ऐसे जा रहे हैं पोल की तरफ जा रहे हैं, तो आप बताएं मुझे जरा, ये बताएं बेटा कि ये आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये पोल की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जी का वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में, इंक्रीज, तो वेट आपका होगा इंक्रीज। अगर आप कराची टू इस्लामाबाद जाएंगे, जाएंगे आप, तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जी क्या होगी आपकी बेटा, डिक्रीज, और जी डिक्रीज होगी तो आपका वेट क्या होगा, डिक्रीज। इस्लामाबाद टू कराची जाओ, कराची टू इस्लामाबाद जाओ, चाहे मरी जाओ, जहां घूमो दिल करे वहां चले जाओ बेटा, आपका मास क्या होगा, हर जगह पर सेम सेम सेम। ये चीजें बेसिक्स ही होती हैं, इनका फील लेना है, फिजिक्स है ही कॉन्सेप्ट का नाम, रेटाफिकेशन का नाम नहीं, रेटाफिकेशन का नाम नहीं, नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो। अभी अगली पॉइंट की तरफ हम आते हैं, तो रहने पर दे, तो अभी आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट।